लक्ष्य के सोने से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रश्न कराएंगे जो आपके क्लास 6th और 9th सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 29वां प्रश्न है। एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 25% के लाभ पर उसको बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य क्या दिया। 29th का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यदि लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कितना है 80 प्लस लाभ कितना होगा 80 गुणा में 25 बटे में 100। तो ये 25 चौके 100 और 4 से ये 20 बार कट गया यानी 80 प्लस 20 बराबर 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या दिया है, एक घर है 2 लाख में खरीदा गया है और 50,000 उस पर मरम्मत पे लगा दिए गए, 20% के लाभ पर यदि व्यक्ति उसको बेचना चाहे तो कितने रुपए में उसको बेचा जाएगा। तो विक्रय मूल्य वही है, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य यानी 2 लाख प्लस 50,000, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य और प्लस इसका लाभ। तो देखो क्या होगा, ये तो हो गया 2,50,000, 2,50,000 प्लस, अब इसका ही क्या करना है 20% निकालना है तो 2,50,000 गुणा में 20 बटे में 100। तो यहाँ से देखो 2 जीरो हमारे ये कट जाएंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2,50,000 प्लस 25 दूनी 50 हो गए यानी 50,000 ये हो गए, इनको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएंगे 3 लाख, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 3 लाख है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 31वां प्रश्न है, 600 रुपये के रेडियो को 12% के हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य, 31st का विक्रय मूल्य हमने ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य यहाँ पर हमें हानि हो रही है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी हानि हो तो घटा देते हैं और लाभ हो तो जोड़ देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 600 माइनस 600 का 12% गुणा में 12 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यानी 600 माइनस 12 छिंग 72 यानी 72 रुपये का लॉस हो गया। तो 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पर 5 यानी 528 रुपये में वो वस्तु बेची जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 32वां प्रश्न है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 800 रुपये की मशीन को 7% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य यही है, सेम इसी की तरह अपने आप भी कर सकते हो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी 800 माइनस 800 का 7%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 800 माइनस 7 8 56 यानी इसको घटाओगे तो 744 मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न है, एक बैल को 1400 रुपये में खरीदा गया और 4 से 1/2 घाटे पर उसको बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन है सारे, विक्रय मूल्य 33 में का विक्रय मूल्य बराबर कितने में खरीदा गया है 1400 में, घाटा कितना हुआ है 1400 गुणा में, देखो 4 से ही 1/2 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो 9/2 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 7 बार कट गया 2 से और 7 निम 63 यानी 1400 माइनस 7 निम 63 इसमें से आप इसको घटाओगे तो 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे और ये 1337 रुपये का उसका विक्रय मूल्य होगा यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 34वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, 200 रुपये में खरीद कर 12% हानि पर विक्रय मूल्य तो 34 का विक्रय मूल्य बराबर 200 माइनस
200 गुणा में 12 बटे में 100, तो जीरो से दो जीरो कट गए, 200 में से 12 दूनी 24 को घटाना है तो कितने आएंगे, 12 दूनी 24, तो 10 में से 4 घटाओगे 6, और 9 में से 2 घटाओगे 7, यानी 176 रुपये यहाँ पर इसका 175 दिया है, यही यहाँ पर क्या होगा 176 होगा, तो इसका सी ऑप्शन इस बिल्कुल सही। अगला यानी 35वां प्रश्न है, क्या दिया है, एक रेडियो 680 में बेचा गया, उस दुकानदार को उस पर 120 रुपये का घाटा हो गया, यदि वह उसी रेडियो को 120 रुपये लाभ पर बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो थोड़ा सा घुमा के दिया है, रेडियो को 680 में बेचा गया तो रेडियो को लाभ कितना, वो जो घाटा हुआ है वो कितना है, 120 है, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमने निकालना है, तो पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले, क्रय मूल्य 680 में बेचा गया, घाटा कितना हुआ 120 का, यानी इसमें जुड़ जाएंगे, इसका मतलब 600 यानी 800 रुपये की वो वस्तु खरीदी गई थी, अब विक्रय मूल्य हमने निकालना है, इस पर हमें 120 रुपये जोड़ने हैं, तो क्या हो जाएगा 800 प्लस 120 का लाभ कमाना है, तो कितने हो गए 920, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 920 रुपये का होगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 36वां प्रश्न है, क्या पूछा गया है, यदि 200 रुपये में खरीद कर 20 रुपये बिक्री कर दिया गया, 300 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा 36, तो देखो खरीदा गया है, क्रय मूल्य हम इसमें बिक्री कर मान के लगाएंगे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा CP या CP कहेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर 200 प्लस 20, यानी 220 रुपये का उसका प्राइस मनी हो गया, अब उसको 300 में उसने बेच दिया, विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपये है, रुपये 300 है, तो लाभ कितना हो गया, 300 में से हमने 220 को घटाना है, अर्थात 80 रुपये का लाभ उसे हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी श्रृंखला के और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।